हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 फीट बाय 50 फीट के प्लॉट के हाउस प्लान डिजाइन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम हाउस मेकर में। दोस्तों यह ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। इस प्लॉट के एक साइड में रोड जा रही है, बाकी तीनों साइड में अदर प्रॉपर्टीज है। इस प्लॉट का एरिया 1500 स्क्वायर फीट है। यदि यार्ड में कहें तो 166.7 स्क्वायर यार्ड है। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमें यह 3 BHK डिजाइन करना है, जिसमें दो बेडरूम होने चाहिए एंड दोनों बेडरूम के लिए अटैच टॉयलेट होने चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, किचन चाहिए, लिविंग एरिया होना चाहिए, एक कॉमन टॉयलेट होना चाहिए, कार पार्किंग होनी चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए एंड स्टेयर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इसे किस प्रकार डिजाइन किया है। इस हाउस का मेन गेट साउथ ईस्ट कॉर्नर में डिजाइन किया गया है, जो 9 फीट वाइड है। मेन गेट से आगे बढ़ने पर हमें पार्किंग एरिया मिलता है, जिसका साइज 9 फीट बाय 15 फीट है। पार्किंग एरिया के इस साइड में 4 फीट वाइड वेरेंडा रखा गया है, जिससे होते हुए हम ड्राइंग रूम में जा सकते हैं। इस साइड में 2 फीट 6 इंच वाइड फ्रंट ओपन रखा गया है, जिसे हम ग्रीन एरिया के रूम में यूज कर सकते हैं। पार्किंग एरिया से आगे बढ़ने पर इस घर का मेन डोर मिलता है, जिससे होते हुए हम लॉबी एरिया में जा सकते हैं। मेन डोर का साइज यहाँ पर 4 फीट बाई 8 फीट है। मेन डोर से अंदर आने पर हमें लॉबी एरिया मिलता है, जिसका साइज 18 फीट बाई 14 फीट 6 इंच है। लॉबी के इस साइड में स्टेयर डिजाइन की गई है। यदि स्टेयर की डिटेल की बात करें तो स्टेयर 3 फीट 6 इंच वाइड है। इसका ट्रेड 10 इंच और राइज 8 इंच है। मेन डोर के इस साइड में W3 विंडो लगाई गई है। यदि इसका साइज देखें तो W3 का साइज यहाँ पर 2 फीट 6 इंच बाई 4 फीट है। इसकी सील हाइट 4 फीट है और लिंटल 8 फीट है। लॉबी के इस साइड में किचन डिजाइन की गई है, जिसका साइज 8 फीट बाई 8 फीट है। इस किचन में आने के लिए D1 डोर लगाया गया है और इन दोनों साइड में W1 विंडो लगाई गई है। यदि इनका साइज देखे तो D1 का साइज यहाँ पर 3 फीट 6 इंच बाई 8 फीट है और W1 विंडो का साइज यहाँ पर 4 फीट बाई 4 फीट है। इसकी सील हाइट 4 फीट है और लिंटल 8 फीट है। किचन के इस साइड में ड्राइंग रूम डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 10 फीट बाई 12 फीट 3 इंच है। ड्राइंग रूम में आने के लिए स्टार्टिंग में D1 डोर लगाया गया है एंड लॉबी की साइड में भी D1 डोर लगाया गया है और इस साइड में W विंडो लगाई गई है। यदि इनका साइज देखे तो W का साइज यहाँ पर 5 फीट बाई 5 फीट है। इसकी सील हाइट 3 फीट है और लिंटल 8 फीट है। आगे बढ़ने पर इस साइड हमें मंदिर मिलता है, जिसका साइज 5 फीट 6 इंच बाई 5 फीट है। मंदिर में अंदर आने के लिए D2 डोर लगाया गया है। यदि इसका साइज देखे तो D2 का साइज यहाँ पर 2 फीट 6 इंच बाई 8 फीट है। मंदिर से आगे बढ़ने पर ओपन टू स्काई एरिया मिलता है, जिसका साइज 6 फीट 10 इंच बाई 3 फीट 9 इंच है। ओपन टू स्काई एरिया से आगे एक कॉमन टॉयलेट डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 6 फीट 6 इंच बाई 5 फीट है। इसमें आने के लिए D2 डोर लगाया गया है एंड इस साइड में V वेंटिलेशन लगाया गया है। यदि इसका साइज देखे तो V का साइज यहाँ पर 2 फीट बाई 1 फीट 6 इंच है। इसकी सील हाइट 6 फीट 6 इंच है और लिंटल 8 फीट है। आगे बढ़ने पर इस साइड बेडरूम मिलता है, जिसका साइज 11 फीट 9 इंच बाई 12 फीट है। इस बेडरूम में अंदर आने के लिए D1 डोर लगाया गया है एंड इस साइड में 2 फीट वाइड अलमारी डिजाइन की गई है। इस बेडरूम के लिए अटैच टॉयलेट डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 7 फीट 6 इंच बाई 5 फीट है, जिसमें जाने के लिए D2 डोर लगाया गया है और इस साइड में V वेंटिलेशन लगाया गया है। इस बेडरूम में सनलाइट एंड एयर सर्कुलेशन के लिए W2 विंडो लगाई गई है। यदि इसका साइज देखे तो W2 का साइज यहाँ पर 4 फीट बाई 5 फीट है। इसकी सील हाइट 3 फीट है और लिंटल 8 फीट है। इस बेडरूम के इस साइड में मास्टर बेडरूम डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 14 फीट बाई 12 फीट है। इस रूम में अंदर आने के लिए D1 डोर लगाया गया है और इस साइड में 2 फीट वाइड अलमारी डिजाइन की गई है और इस साइड में W2 विंडो लगाई गई है। D2 डोर से आगे जाने पर हमें वॉश एरिया मिलता है, जिसका साइज 12 फीट 9 इंच बाई 5 फीट है। इसमें ओपन टू इसका एरिया रखा गया है, जिसका साइज 7 फीट बाई 3 फीट है। मास्टर बेडरूम के लिए एक अटैच टॉयलेट डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 7 फीट 6 इंच बाई 5 फीट है। यदि इस हाउस प्लान की डिटेल की बात की जाए तो इसमें डोर एंड विंडो का इंडेक्स इस प्रकार है।
इसमें तीन तरह के डोर लगाए गए हैं एंड चार तरह की विंडो लगाई गई है और एक वेंटिलेशन लगाया गया है, जिनके साइज इस प्रकार है। इसमें जो कॉलम डिजाइन किए गए हैं उनका साइज 9 इंच बाई 9 इंच है। इस हाउस प्लान में आउटर वॉल की थिकनेस 9 इंच है एंड इनर पार्टीशन वॉल की थिकनेस 4.5 इंच है। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इस हाउस प्लान का डिजाइन इस प्रकार किया गया है। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।